हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कंडेंसर के बारे में और मैं कंडेंसर ये क्यों लगाना चाहता हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें ये बैटरी लगी हुई है और इसको मैंने 2-3 बार चार्ज किया और लेकिन ये बैटरी इसके काम नहीं करती है। बहुत दिन तक खड़ी रहती है गाड़ी या कम चलने की वजह से इसकी बैटरी बार बार लो हो जाती है, तो हम इसमें कंडेंसर लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कंडेंसर काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से नॉर्मल बिना कंडेंसर लगाए आपको गाड़ी लगा के गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न ऑन बजा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है और ये देखिए दोस्तों इसमें न्यूट्रल लाइट बहुत कम जल रही है और हॉर्न बजा के दिखा दे रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों हॉर्न बजा रहा है तो बज भी नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लाइट भी अपर डिपर हो रही है और हॉर्न भी नहीं बज रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम कंडेंसर लगा के इंस्टॉल करके देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिजल्ट आया है। तो इसको दोस्तों किस तरीके से लगाना है, तो ये जो तार रहता है ये वाला तार जो है इसको हमको लाल वाले तार में, ये हरी वाले तार में लगाना है जो बैटरी में आया है, तो इसमें हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने पूरा फिट कर दिया है। अब बिना ये तार लगा करके हम आपको दिखाते हैं, फिर मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो हमने खाली फिट किया हुआ है और इसको तार हमने हटाया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ हॉर्न बजा के। ये देखिए दोस्तों बटन दबा रहे हैं और ये देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी हम तार लगा देते हैं, ये देखिए ये तार लगा देते हैं, तो तार इस तरीके से हम लगा देंगे। और ये लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हॉर्न हमारा काम करने लगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की, तो कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों जैसे बैटरी में लगा हुआ होता है, ये दो तारें जो लगी हुई हैं बैटरी में लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। बैटरी से एक तार हमको ये जो रेड कलर की तार है ये इसमें लगा देनी है, जो कि ये यहाँ से आया कंडेंसर से, और जो अर्थिंग में पत्ती लगी हुई है वो अर्थिंग में ये वाली प्लस ये ब्लैक वाली में लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल से कनेक्शन है, कोई उसमें कुछ करना नहीं है। और ध्यान रहे दोस्तों ये बैटरी के साथ ही लगाइएगा, ये कंडेंसर अलग लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंडेंसर की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।